वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट गुरु। दोस्तों, कॉन्सेप्ट गुरु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर ले और लाइक कर दे वीडियो को देखते समय में ही, और इसे मित्र के पास सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज की कक्षा में हम देखेंगे रीजनिंग का वो चैप्टर जो सबको परेशान करता है, डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा संबंधी परीक्षण। और इसके अंतर्गत हम चार पॉइंट को सबसे पहले नोटिस करेंगे। पहले इसके बेसिक तौर पे हम बात करेंगे, उसके बाद इसके हम ट्रिकली बात करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आएगी। और आज के बाद, वैसे तो बहुत सारे YouTube पर वीडियो पड़े हैं, लेकिन आज के बाद जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं उसके बाद आप लोगों को कहीं दिक्कत ना होगी। और हाँ, वार्निंग ये है, जैसा आपने थंबनेल में देखा, कि आपको पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंतर्गत देखिए, हम चार पॉइंट को सबसे पहले डील करेंगे। पहला, छाया, इसको समझते हैं। छाया हो गया, धुआं हो गया, दिशा हो गया और दूरी हो गया, राइट। अब छाया क्या होता है? जैसे क्वेश्चन दे देगा कि रमेश का छाया सुबह 7 बजे उसके दाहिने हाथ की तरफ पड़ रही है, तो बताएं कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है। यानी सुबह में हम जानते हैं कि मेरा सूरज जो है वो पूरब में होता है और दाहिनी ओर छाया पड़ रही है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, उस समय हवा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो बताएं कि रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगी। ओके, अब हम थर्ड पॉइंट की बात करें जो मेरा डायरेक्शन यानी दिशा बताएगा। तो दिशा के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि रमेश अपने घर से कार्यालय के लिए सुबह 9 बजे निकलता है और कुछ दूरी तय करने के बाद एक चौराहे पर पहुँचता है। चौराहे के सामने वाली रास्ता उसे अस्पताल के पास ले जाती है, दाहिने वो रास्ता उसे अपने कार्यालय लेके जाती है, तथा बाएं ओर वाली रास्ता उसे मार्केट लेकर के जाती है। अगर उसे किराना सामान की दुकान पर जाना है तो बताएं कि वह किस दिशा में जाएगी। तीसरी क्वेश्चन हो गई। और चौथी क्वेश्चन ये हो गई कि रमेश अपने घर से मार्केट के लिए निकलता है, पूरब दिशा की ओर तय करता है कुछ दूरी, सपोज डेट 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद वह बाएं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद वह चौराहे पर पहुंच जाता है जहां से चार दिशाएं चार ओर जा रही है। अगर वो चौराहे से दाहिने ओर की रास्ता उसे अपने मंजिल तक ले जाएगी, जिसकी दूरी 6 किलोमीटर है, तो घर से उसके मंजिल तक की दूरी बताएं, ठीक। तो ये सब चारों जो पॉइंट है इसको हम अच्छा से डील करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, पहले इसका हम बेसिक बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक बात करते हैं। बेसिक की जब बात करें तो मेरे पास जो डायरेक्शन होता है वो चार फॉर्मेट में होता है, राइट। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। हिंदी में बात करें तो हिंदी में जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा दक्षिण और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। हम उम्मीद करेंगे आपको अच्छा से समझ में अभी तक आया होगा, ठीक है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास न्यूज होती है। जिन लोगों को याद नहीं होगा डायरेक्शन, सपोज डेट नए लोग जो होंगे वीडियो देख रहे होंगे, एन से देखिए, ये न्यूज यानी समाचार जो है कैसे मिल करके बनता है। एन फोर हो गया न्यूज, एन से हो गया न्यूज और एन से हो गया आपका नॉर्थ, ई से हो गया आपका ईस्ट, डब्ल्यू से हो गया आपका वेस्ट और एस से हो गया आपका साउथ। यानी ये न्यूज जो है, हमारा समाचार जो है, वो चारों दिशाएं का हमें ज्ञान बताता है और उसे ही हम न्यूज कहते हैं। ओके, इसमें आपको दो बातें परेशान कर सकती है आगे चल करके, या आप लोगों को करती भी होगी कोई कोई लोगों को। एक होता है कभी वो दाहिने मुड़ जाता है और कभी वो बाएं मुड़ जाता है। इसको समझते हैं हम। देखिए, दाहिने और बाएं, दाहिने हो गया इट मीन्स ये राइट हो गया, राइट टर्म लेगा और ये लेफ्ट टर्म लेगा। आप लोग हमें फीडबैक जरूर देंगे कि क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, हम कितना तक इसे पॉसिबल कर पाए समझाने में आप लोगों के लिए। ओके, देखिए,
दाहिने और बाएं जब ये मुड़ेगा तो हम देखते हैं अक्सर कि डायरेक्टली कोई कोई मुड़ा देता है, और हम बाकी कुछ लोग होते हैं जो अपने लेफ्ट और राइट करते रहते हैं, जैसे पूरब की ओर फेसिंग साइड है उनका और राइट साइड टर्म लेंगे वो, तो वो चले जाते हैं नॉर्थ साइड में। लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ये बॉक्स एक बना लेते हैं, बॉक्स के थ्रू में आपको हम समझाते हैं। ये क्वेश्चन में ये देखिए पेन चेंज कर लेते, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगा आपका इसे। और ये देखिए, देखिए ये क्या कर रहा है, एक सर्कल वे में ये आ रहा है राइट, और ये ऐसे घूम रहा है, और वी नो दैट्स कि मेरे क्लॉक्स जो है वो क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है, यानी कि जब वो बंदा क्लॉकवाइज मूव करेगा तो हम जान जाएंगे कि राइट टर्म यानी कि दाहिने साइड में वो मुड़ रहा है, यानी जब हमको दाहिने मुड़ाना होगा तो वो क्लॉकवाइज चलेगा, और जब उसको बाएं मुड़ना होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ये टर्म ले लेगा। ये टर्म वो ले लेगा जब उसको बाएं मुड़ाना पड़ेगा। ये सारे जो अभी बेसिक तौर पे हम समझा रहे हैं, इस सारे की चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको अगले क्वेश्चंस जैसे ही आएंगे उसमें। ये तो हो गया लेफ्ट और राइट का, यानी कि जब वो बंदा राइट मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज मुड़ेगा यानी घड़ी की दिशा से मुड़ेगा, और जब वो बंदा लेफ्ट मुड़ेगा यानी बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि घड़ी मेरा पश्चिम से पूर्व की ओर सफ़र करती है, क्योंकि मेरा पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, परिक्रमा जो करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर ही करती है, इसलिए वो क्लॉकवाइज चलता है। अगर हम शुक्र और अरुण ग्रह पर चले जाएंगे तो वहाँ पे हमारी घड़ी उल्टी चलने लगेगी और ये डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, ओके, क्योंकि वहाँ पे सूर्योदय जो है पश्चिम में और सूर्यास्त जो है पूरब में होता है। क्यों? क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज यानी प्रति चक्रण वो चक्कर काटता है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब एक बात देखिए, एक आता है, देखिए इसमें क्वेश्चन छूट गया था, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था कि छाया वाला, धुआं वाला, दिशा वाला, दूरी वाला, और एक और पांचवा पॉइंट छूट गया था, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ये होता है एंगल वाला, एंगल बेस्ड होता है, ठीक। 45 डिग्री मुड़ जाता है, 100 डिग्री मुड़ जाता है, 90 डिग्री मुड़ जाता है, ये क्या होता है देखिए, समझते हैं इसको। मेरा कोई भी सर्कल 360 डिग्री का होता है, ये तो हमें पता है, मेरा कोई भी सर्कल 360 डिग्री का होता है। इसे अगर हम दो भागों में विभाजित कर दें तो ये 180 का हो जाएगा, यानी ये टर्म कितना हो जाएगा 180 का हो जाएगा, और ये टर्म कितना हो जाएगा 180 का हो जाएगा। जैसे किसी के पास 360 रुपया है, दो भाइयों में उसने बांट दिया तो 180 हो जाएगा। अगर इसको हम चार भागों में बांट देंगे तो ये प्रत्येक एंगल इसके कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक। अब इसको हम और अच्छा से समझते हैं, क्योंकि ये 90 और ये 90 मिला करके आपको 360 का एंगल दे देता है, ठीक। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत कैसे पड़ेगी और अब अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो यहाँ से नॉर्थ और ईस्ट के बीच से ये कोण निकाल देगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा यानी उत्तर और पूरब हो जाएगा, ओके। और यहाँ से देखिए उसी तरह से ईस्ट और साउथ के बीच में से ये एंगल निकाल देगा, तो ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। एक बार अच्छा से आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बिना वीडियो के स्किप किए हुए, इसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये वेस्ट और साउथ हो गया, इस दोनों के बीच में से जब एंगल निकल के लाएगा तो ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा, यानी कि दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। उसी तरह से जब ये दोनों के बीच में एंगल लेकर के आएगा तो ये नॉर्थ और वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा आपका, उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, देखिए ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरा सर्कल हो गया मेरे पास वो तो 360 का एंगल हो गया, ओके। अगर इसको चार भागों में डिवाइड कर दिए तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हमें प्राप्त हो गया, ओके। अब यहाँ से लेकिन जब 90 डिग्री को दो भागों में हम विभाजित कर रहे हैं, ये भाग, ये पूरा 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है,
अब राइट एंगल ट्रायंगल हम जानते हैं कि 90 डिग्री का होता है, एक एक कोण उसका 90 डिग्री का होता है, ये उसका कोण 90 डिग्री का होगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब बीच में से ये विभाजित करेगा तो ये प्रत्येक एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा, यानी दोनों एंगल 45 डिग्री का। उसी तरह से ये 45, ये 45, ये सारे वैल्यू जो है 45 45 के हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि रमेश की छाया 7 बजे सुबह में AM लिखा है, यानी मॉर्निंग टाइम में बोला है, पर उसके दाहिने हाथ की तरफ पड़ रही है, तो बताएं कि उसका मुंह किस दिशा में है। देखिए, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हमें ये जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है कि सुबह में सूर्य होता किधर है। तो देखिए, हम एक टेबल बना देते हैं, यहाँ पे स्थिति लिख दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे सूर्य लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं छाया। इसे आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए, सूर्य स्थिति जो है वो सुबह हो जाएगी और शाम हो जाएगी, सुबह हो जाएगी और शाम हो जाएगी। और सुबह में सूर्य जानते हैं हम ईस्ट होता है, और शाम में सूर्य जो है वो वेस्ट होता है, राइट। अब इसके अपोजिट हमेशा छाया बनती है, तो जब सुबह में सूर्य होंगे ईस्ट में, तो छाया मेरी बनेगी वो वेस्ट साइड में बनेगी, ओके। और जब वेस्ट होगी तो यहाँ पे छाया जो है वो ईस्ट में बनेंगी। ये आप टेबल हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक। और चूंकि क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर दिया है एग्जामिनर ने, तो हमें थोड़ा सा अच्छी से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे आप तो दाहिने और बाएं केवल पढ़ करके गए हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ चेंज कर देगा तो आपका एक नंबर चला जाएगा, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसे समझते रहें। देखिए, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सुबह में छाया जो है, सुबह में सूर्य जो 7 बजे दाहिने हाथ की ओर उसकी छाया पड़ रही है, तो उसका फेसिंग साइड आपको बताना है कि उसका फेस किस डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। देखिए, सन जो है मॉर्निंग में छाया पश्चिम में पड़ेगी, क्योंकि सुबह की बात है और सुबह में सूर्य किधर होते हैं, पूरब में, और छाया किधर बन रही है, पश्चिम में, हमेशा ये छाया पश्चिम में बनेगी। यानी ये तो कन्फर्म हो गया कि छाया उसका पश्चिम दिशा में बनेगा, और पश्चिम दिशा जो है वो रमेश का दाहिना हाथ हो रहा है। या तो उसके देखिए, या तो देखिए, सबसे पहले सुबह में की बात है, क्योंकि 7 AM यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे 7 AM लिख दिया है, और 7 AM ईयरली की बात करेंगे हम, मॉर्निंग की बात करेंगे, तो मॉर्निंग में सूर्य होते हैं ईस्ट में और छाया बनती है मेरे पास वेस्ट में बनती है, ओके। और छाया वेस्ट में बनेगी या उसके दाहिने हाथ की तरफ पड़ रही है, तो देखिए, या तो दाहिना हाथ या तो वेस्ट मेरे पास बराबर हो जाएगा, तो मेरे पास दाहिना हाथ इसका पश्चिम की ओर हो जाएगा। और ये जब पश्चिम की ओर हो जाएगा, अब देखिए एक मिनट, हम और डायग्राम बना लें। देखिए, इसी पर समझते हैं, आपका जब दाहिना हाथ पश्चिम की होगा, वेस्ट यानी पश्चिम होगा दाहिना हाथ, तो आपका लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ आपका पूरब में हो जाएगा, यानी ईस्ट में हो जाएगा, ओके। अब पूरब में हो गया ये, तो देखिए यहाँ से वेस्ट में दाहिना हाथ, वेस्ट में आपका दाहिना हाथ, ईस्ट में आपका बायां हाथ, तो आपका ये कंफर्म हो गया कि मेरे पास जो डायरेक्शन निकल करके आएगी वो मित्रों साउथ डायरेक्शन निकल करके आएगी। अगर पूछ देगा कि आपके पीछे की ओर कौन सा डायरेक्शन, इसी में ऐड कर देगा, तो साउथ का अपोजिट क्या कर लेंगे हम, नॉर्थ कर लेंगे। और इस तरह से हम प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद वाला कॉन्सेप्ट हम आपको राइट और लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि आपको बिना देखे हुए, मतलब क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिना पेन का बनाना है, ठीक है, देखते हैं उसको। देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही थी। पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, यानी कोई रेलगाड़ी है उत्तर से दक्षिण की ओर वो जा रही है, यदि उस समय हवा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, ठीक, तो बताएं कि रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जा रहा था। देखिए, क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं कि उत्तर से जब दक्षिण की ओर रेलगाड़ी जब जा रही है, यानी पहले इसको हम क्रिएट कर ले रहे हैं, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ, और रेलगाड़ी इस डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही थी, यानी ऊपर से
नीचे की ओर आ रही थी ग्राफ के माध्यम से। अब ये क्या बोला है क्वेश्चन कि यदि उस समय हवा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही थी, अब हवा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जब बह रही थी तो पश्चिम और पूर्व किधर होता है, हम जानते हैं कि ये होता है मेरा पश्चिम और पूर्व होता है, ये होता है मेरा पश्चिम यानी वेस्ट और ये होता है मेरा ईस्ट। यानी हवा जो है, हवा का रुख जो है इस प्रकार से आपको मोटिवेट मतलब कि डिसाइड कर रही है डायरेक्शन के तौर पे। ठीक, अब यहाँ से ये देखेंगे कि अब धुआं जाएगा तो किधर जाएगा। एक बात देखिए, ऐसे प्रश्नों में हमेशा एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी रेलगाड़ी का धुआं आएगा वो 45 डिग्री पर ही हमेशा मुड़ेगा, एक बात इतना याद रखिएगा। हम इसलिए बोले थे कि पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए रेलगाड़ी में कभी भी धुआं 45 डिग्री पर मूव करता है और ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम ये देखेंगे सबसे पहले कि उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है हवा, किधर से जा रही है, पश्चिम से पूरब की पूरब से पश्चिम, मतलब पूरब से पश्चिम जा रही है कि पश्चिम से पूरब जा रही है। तो आप बोलेंगे कि हवा जो है मेरी पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, यानी ये डायरेक्शन में हवा जा रही थी। ओके, ये मेरा रेलगाड़ी हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, और हवा जो है ऐसे जा रही थी, ऐसे क्रॉस कर रही थी। और हमने ये बोला अभी कि हवा कभी भी रेलगाड़ी का धुआं 45 डिग्री पर मूव करता है। तो देखिए यहाँ से ये तो मेरा बेस हो गया, ये तो मेरा बेस हो गया, ये हवा बीच में भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है, कहीं दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो गया ये आपका हवा का रुख हो गया और हवा ई डायरेक्शन में आ रहा है, यानी यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वो 45 का, इसीलिए हम समझाए थे 45 90 360 का हम बात समझाए थे, क्योंकि ये एंगल जो है मेरा वो पूरा 90 डिग्री का हो गया और 90 डिग्री में दो भागों में हम बांट देंगे तो ये मेरा एंगल कितने का हो जाएगा, प्रत्येक एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ से हमको ये चेक करना पड़ जाएगा कि चूँकि किस दिशा में जा रहा है, हमको डायरेक्शन निकालना है। ओके, तो देखिए ये नॉर्थ, एकदम आसान ट्रिक बता रहे हैं, देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, चलिए इसको बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे ये आपका बढ़ गया, पूरा हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। आपको एग्ज़ाम में इतना बिल्कुल नहीं करना है, एग्ज़ाम में इतना नहीं करना है, क्योंकि आज तक आप लोग करते आए हैं। आप लोग क्या कीजिए कि जहाँ पे हमको डायरेक्शन निकालना है वहाँ पर आप प्लस का साइन बना दीजिए बड़ा सा, वहीं पर प्लस का साइन बना दीजिए। देखिए ध्यान से, अब जब प्लस का साइन बना दिए तो ये पता होगा कि ऊपर वाला डायरेक्शन जो है नॉर्थ होगा, नीचे वाला साउथ होगा, नीचे वाला साउथ होगा, ये वाला ईस्ट हो जाएगा और ये वाला वेस्ट हो जाएगा, और इसके बीच से ये एंगल क्रॉस कर रही है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच से निकल रही है, यानी कि उत्तर और पूरब की ओर से निकल रही है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो उत्तर पूरब हो जाएगा। ओके, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और वीडियो देखते समय ही लाइक कर दे। और एक बात ज़रूर बताएँ कि हम ये क्वेश्चन को और ये पूरे चैप्टर को आप लोग कितना प्रतिशत समझा पाए, यानी आप लोगों ने इस चैप्टर के साथ में इंजॉय किया कि नहीं किया। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम अगले एपिसोड में आप लोगों के साथ। तो आप लोग घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और इसी के साथ आपसे जुदा लेते हैं, धन्यवाद।